नमस्कार मित्रों, आज हम कुछ मिराकल पॉइंट्स देखेंगे साइटिका पेन के लिए, जो कि बहुत ही दर्दनाक कंडीशन होती है। ऑरिक्यूलर के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। आप जैसा कि जानते हैं, ये हमारा मॉडल है कान का। हमारा जो हेलिक्स होता है, ये जो एरिया होता है, इसको हेलिक्स कहते हैं। और अगर आप पूरा ऑरिक्यूलर कोर्स फ्री में सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखे, तो मैं आपको पूरा कोर्स आपके व्हाट्सएप पर भिजवा दूंगा। ये हेलिक्स होता है। हेलिक्स के पीछे का जो एरिया होता है, हेलिक्स के बैक साइड का एरिया, ये जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये एरिया और ये वाला एरिया, तो ये एरिया हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया हार्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये एरिया लीवर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप यहाँ पे रैंडमली, यहाँ पे अगर रैंडमली आप नीडल या तो फिर सीड या फिर प्रेस नीडल अगर आप लगा देते हैं, तो आपको साइटिक पेन में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और सेम डे रिजल्ट आएगा। उसी के साथ साथ हमारा ये जो बैक साइड ऑफ द ईयर होता है, इसका एक गड्ढा होता है यहाँ पे, गड्ढे से थोड़ा ऊपर की साइड में, यहाँ पे आप तीन बिंदु होते हैं यहाँ पे, जिसको साइटिक ट्रायंगल कहा जाता है। तो यहाँ पे भी आप जिमी चलाकर जब आप ट्रीटमेंट करते हैं, और यहाँ पर आप अगर सीड लगा देते हैं और छोड़ देते हैं, और 7 से 8 दिन के बाद फिर से सीड बदलना है, इसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है वो आता है इस एरिया में। अगर आप इस एरिया को पलट कर देखेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा, तो यहाँ पे कुछ वेंस दिखाई देती है। यहाँ पे हमने ब्लड लैटिन अगर करते हैं हम, तो साइटिक पेन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आता है। आइए अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसा कि हमने देखा, ये जो हमारा एरिया होता है, ये हेलिक्स होता है, और हेलिक्स का ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट हमारा लीवर का पार्ट कहलाता है, और ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, इसके बाजू में हमारा हार्ट का पार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर आप जिमी चलाते हैं, तो जिन पेशेंट को साइटिक पेन होगा, उनको यहाँ पे बहुत पेन होगा। ये जो एरिया है, यह बहुत पेनफुल पेन एरिया होगा। साथ ही साथ लीवर का जो एरिया है, यहाँ पे भी आपने देखना है कि कहाँ पे रिडकेंसी आ रही है। तो ये आप लगाते लगाते ही, मतलब आप जैसे ट्रीट कर रहे हैं वैसे करते करते ही पेशेंट को रिलीफ आ जाएगा। और ये जो एरिया है, ख़ास तौर से इस एरिया पे आपने ध्यान देना है। यहाँ पे अगर आप जिमी चलाते हैं, ये जो एरिया देखिए कान का, ये एरिया हार्ट का एरिया कहलाता है। यहाँ पे या तो आप ब्लड लैटिन कर दीजिए, दो तीन ड्रॉप यहाँ से ब्लड निकाल लीजिए, या यहाँ पे आप सीड अप्लाई कर दीजिए। साथ ही साथ यहाँ से ये जो एरिया है बैक का, ये गड्ढा है एरिया का, ये गड्ढा है, इसके थोड़ा ऊपर यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पे आप जिमी चलाते हैं, ये साइटिक ट्रायंगल कहलाता है। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से साइटिक का पेन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीड अप्लाई कर लेंगे। ये जो सीड है आपका, आपने सीड को लेना है, ये हार्ट का पॉइंट है, यहाँ पे हम सीड को अप्लाई कर दिए। साथ ही साथ साइटिक ट्रायंगल में एक सीड को अप्लाई करते हैं। आप लोग यहाँ पे सुजोक नीडल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक नीडल आपको प्रैक्टिकल के तौर पे करके बता देता हूँ। ये साइटिक ट्रायंगल पे लगा है बरोबर राइट में, ये वाला एरिया, हाँ, इसको हमने प्रेस कर दिए। उसी तरीके से हम एक सुजोक नीडल मैं आपको लगा के बता देता हूँ, सुजोक नीडल का यूज़ यहाँ कैसे होता है। ये सुजोक नीडल है, इसको आप ऐसे डायरेक्शन में लगा सकते हैं, ये लग गया पूरा। तो इस तरीके से आप रैंडमली 3 से 4 नीडल यहाँ पे लगा सकते हैं। साथ ही साथ जिमी से आपने इसको ये करना है, और इस एरिया में लीवर का एरिया और ये जो है हार्ट का एरिया। तो यहाँ पे आप ब्लड लेटिंग कर सकते हैं और नीडलिंग भी कर सकते हैं। धन्यवाद।